ये कौन सा है, वर्किंग कंडीशनल ऑफ MPFI पेंट्रोल इंजन है, ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का ये बोर्ड है, ये सारे कॉमन सिस्टम है, इसे लेमडा सेंसर है, MIL लैंप सारे। ये टोटल कोड कौन करो, इसको हो गया चालू। हाँ इसको ये कौन सा हुआ, बैटरी वाला ये वाला? हाँ। इसको बंद करना पड़ेगा? नहीं चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो इन लाइटों को ऑन करने के लिए है बस। ओके ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले स्कैन स्टार्ट करके स्कैन टूल से करना है ना। इसमें कौन कौन से सेंसर दिखाई दे रहे हैं, ये OPD इसमें लगेगा कनेक्ट, ये OPD, ये स्कैन टूल, इसमें दो लगते हैं क्या, मोबाइल की तरह ही है ये एक डिवाइस, टैबलेट, लैपटॉप भी यूज में ले सकते हैं वैसे। हाँ इसका ये है देखो, ये कौन सा है, टैब है, ऑलरेडी उसमें लगा ही दिया वहाँ पे। हाँ जो इंजन है उसका ऑटोमेटिक इसमें आएगा, कनेक्ट स्लो है इसकी, इसकी मॉडल जैसे ये लीनिया वाला है, फिएट कंपनी का इंजन है, लीनिया मॉडल है। ओके इसमें काफ़ी है ये, ठीक है लीनिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिस्टम सिलेक्शन, हाँ टोटल, हाँ अब इसमें हमको देखना है कौन से प्रकार का इसमें इंजन है, ठीक है तो 1.416 वोल्ट ये है इसका वोल्टेज, हाँ वोल्टेज मुझे नहीं पता तो, लेकिन ऐसा कुछ है नंबर इसका। अच्छा इसके नंबर है जो स्कैन किए हुए इसमें, वो भी मालूम होने चाहिए हमें। हाँ अब ये तो सब बताया हुआ है उन्होंने, तो मैं कर रहा हूँ अभी इसमें मेरे है ना वो लिखा भी है 1.416 वोल्ट, हाँ इसके लिखा हुआ भी है, इंडक्शन मोटर में इंजन ये, ठीक है 1.4। अब इसमें ये देखना है जैसे अभी हमें लैम्डा सेंसर ये बंद करते हैं तो इसमें क्या रिएक्ट होते हैं, है ना, अभी वही तो दिखाएंगे। हाँ यस करते रहो जो भी आ रहा है ओके। अभी देखना है हमको कि रीड फॉल्ट कोड, रीड फॉल्ट कोड, ओके अभी देखो आप इसमें देखते हैं क्लियर फॉल्ट मेमोरी कंप्लीटेड, जितनी भी मेमोरी थी इसमें जो पहले की फॉल्ट वो रीड कर दी मैंने। ओके अभी रीड करता हूँ, रीड करना है इसमें क्या, अभी देखो इसमें ये तीन आ रहे हैं। ओके ब्रेक पहले से ही आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, कौन से गियरबॉक्स टाइप, बिकॉज़ P1302
ओके, P0571 ब्रेक स्विच और ये। अब ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसके आगे क्या है, ये बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल भी लगा हुआ है। इसके आगे अगर गियर बॉक्स होता तो व्हीकल स्पीड सेंसर का आ रहा है क्यों, उसमें ये है नहीं इसलिए ये बता रहा है। हाँ ये है, वो होने चाहिए इसलिए कह रहा है। अभी मैं पीछे जाता हूँ इसको, अभी जब इसमें जैसे एक तो पहले हम ये करते हैं इग्निशन कॉइल, आप सेंसर बंद कर दो, चलो इंजेक्टर वाले करते हैं है हाँ, ना हाँ। जैसे इसमें चार इंजेक्टर लगे हुए हैं तो एक नंबर इंजेक्टर ये मैंने बंद किया तो मिसिंग हो रही है कुछ हाँ। तो इसमें अभी रीड फॉल्ट ओके, सिलेंडर नंबर वन हो गया हाँ, इसमें दिखा दिया। अब वापस इसको ऑन करेंगे हाँ। ये वाला रेड भी बंद हो गया, इसको बंद कर दिया। अब एकदम ये आवाज़ भी सही हो गई, वापस सर्च करेंगे क्लियर फॉल्ट मेमोरी ओके। अभी आप देखो रीड फॉल्ट इसमें कुछ नहीं दिखा, गायब हो गया हाँ, गायब हो गया। फिर और क्या है अभी, इंजन कूलिंग कूलेंट वाला, इंजन कूलेंट वाला करते हैं, इसमें कुछ होता है मेल हाँ, ये लैंप MIL वो तो जलेगी, माल फंक्शन इंडिकेटर वो जल जाएगी और ये क्या है देखो, ये फैन भी चालू, फैन भी चालू हो गया, पहले फैन बंद था और फैन भी चालू हो गया। वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर सेंसर, अभी उसको पता नहीं लग रहा है ना, टेम्परेचर पता नहीं लग रहा है। अभी पंखा भी जो इसको दे रखा है ना हाँ, हाँ। ये इलेक्ट्रिकल ही है हाँ, इलेक्ट्रिकल जैसे ही इसका टेम्परेचर हाँ वैसे वापस करेंगे हाँ सर। अब मिसिंग होना बंद हो गया हाँ, एक 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 नहीं 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 ठीक है, देखो पंखा बंद, अभी ये फैन भी बंद हो रहा है, अभी ये फैन बंद हो गया और कूलेंट वाला और सा भी कर दो, जैसे ये ऑयल प्रेशर, ऑयल प्रेशर सेंसर हमने ये बंद किया, अभी तो वापस रीड कॉल करेंगे। रजिस्ट्रेशन बम अबव कैटल, इंजन ऑयल प्रेशर का ही है ये ओके, वापस करो इंजन कॉल कोड, यानी उसको पहले वाले डाटा को डिलीट करना पड़ेगा क्लियर। मैंने क्लियर कर दिया लेकिन यहाँ पे तो करा नहीं है ठीक हाँ, हाँ। वो फिर आ जाएगा देखना यहाँ पे, अगर मैं सही हूँ तो देखो वापस आ गया। अब इसको वापस करेंगे एक बार, अब इसको बंद कर दो देखो हाँ, और इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर रीड फॉल्ट कोड, रीड फॉल्ट अब नहीं आए आए वापस, इसको क्लियर क्लियर करना पड़ेगा पहले, चला गया यानी सही हो गया। और इसमें एक चीज़ जैसे सीट बेल्ट है, ऑयल लेवल है, लॉक है, आते नहीं, एक्सीलेटर देना हल्का सा हल्का, ओके मैक्सिमम ओके, अधिकांश तो ये देखे जाते हैं ये टीप, ये कौन सा है, ये बंद हो रहा है ओके ओके, ये बंद हो रहा है इसलिए एग्जिट हो रहे हैं इसमें, बंद होता है तो ये ऐसे करता है ओके, मूवमेंट कर रहा है। ओह माय गॉड भाई, सोलर में, सोलर हाँ सोलर में ओके, बहुत अच्छे से ये पॉल्यूशन भी दे रहा है यार, ये स्कोर इनका है ना, आप चलाना चाहो तो चलाओ, रुक जाओ सीख तो ठीक है। सबसे पहले इसको इसको हाथ में लो, इसको स्टार्ट करो फिर उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा ओके, रखो